बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट जो है वो हमारे पास है log 512 टू द बेस 2 अंडर रूट 2। तो इसको हमें इवैल्यूएट करना है, तो इसके लिए हम सब्स्टिट्यूट नंबर जो है वो हम लेट करेंगे। इसको सबसे पहले हम लिखेंगे log 512 और जिसकी बेस दी गई है वो 2 अंडर रूट 2 है, यहाँ पे आ जाएगी। और फिर हम इसको जो है अगले सेट के अंदर लेट करेंगे सब्स्टिट्यूट नंबर के इक्वल, और फिर उसकी हम वैल्यू मालूम करेंगे log 512 बेस 2 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू x के। हमने किसके इक्वल इसको लेट कर लिया, x के इक्वल लेट कर लिया। ये हमारे पास कौन सी है, लॉगरिथम फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म है। इसको हम जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यहाँ पे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है कि लॉग जो होता है वो उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, यानी रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। बेस जो है वो यहीं पे रहती है 2 अंडर रूट 2, और सामने वाला जो डिजिट होता है, जो भी नंबर होता है, वो आप इधर एक्सपोनेंट बन जाता है, और लॉग के साथ जो नंबर मौजूद होता है वो इक्वल में चला जाता है, यहाँ पे चला गया, यानी 512 इक्वल में चला गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम 512 को फैक्टराइज करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ एट 1, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ एट 1, ऐसा नंबर जो अपने आप पे डिवाइड होता हो और 1 पे डिवाइड होता हो वो प्राइम नंबर कहलाता है। और प्राइम नंबर इज ग्रेटर देन 1, प्राइम नंबर जो है वो 1 से बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर जो है ना 2, 3, 5, 7, 11, ये वो नंबर्स हैं, ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो हम 512 को यहाँ पे प्राइम फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे मैं इसको प्राइम फैक्टराइज कर देता हूँ, 512 को पहले 2 पे गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2 4 5 2 10 1 कैरी 12 2 6 12। फिर 2 पे गया, 2 1 2 2 2 4 1 कैरी 16 2 8 16। फिर 2 पे गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। फिर 2 पे गया, 2 3 6 2 2 4, 2 पे इसको किया तो 16 आ गया। फिर 2 पे किया तो 8 आ गया। फिर 2 पे इसको डिवाइड किया तो 4 आ गया, 2 पे किया तो 2 आ गया। यूं हमारे पास जो है 512 के हमने क्या कर दी, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। और हमारे पास इसके जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो यहाँ पे पहले हम इस तरफ आते हैं, जिसकी कोई पार ना हो या एक्सपोनेंट ना हो उसका 1 होता है, 2 का एक्सपोनेंट 1 आ गया। इसके ऊपर 2 के ऊपर अंडर रूट या स्क्वायर रूट मौजूद है, जो अंडर रूट होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, जो स्क्वायर रूट का साइन होता है वो 1/2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इस 2 की पावर 1 आ गई, यहाँ पे दरमियान में कोई साइन इट मींस के मल्टीप्लीकेशन का साइन है। फिर 2 की पावर कितनी आ जाएगी, ऊपर अंडर रूट है तो उसकी जगह 1/2 आ गया, और होल की पावर जो पावर है या एक्सपोनेंट है वो हमारे पास क्या है, x है। और 512 जो नंबर हमारे पास मौजूद था उसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, तो वो कितनी बनती है, 2 कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ 2 की पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो अब आगे जो है ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये दोनों जो बेसिस हैं ये सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। अगर बेसिस एक जैसी हो तो एक बेस के ऊपर जो है पावर्स को इकट्ठा किया जा सकता है। तो यहाँ पे 2 के ऊपर ये जो पावर्स हमारे पास मौजूद है इनको हम आपस में ऐड कर लेंगे, 1 + 1/2, और होल की पावर हमारे पास x है, और सामने नंबर जो है हमारे पास 2 की पावर 9 है। अब जिसका कोई डिनोमिनेटर ना, उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, ये 1/1 हो जाएगा और ये 1/2 है। 1/1 और 1/2 का हम लेंगे एलसीएम, जब एलसीएम देंगे ये 2 बेस है, यहाँ पे 1 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा। ये वाला 2 जो है ये डिनोमिनेटर इधर 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, और ये वाला 1 इस तरफ जाके इस नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा। और होल की पावर हमारे पास क्या है, x है, और इज इक्वल टू 2 की पावर हमारे पास कितनी मौजूद है, 9 मौजूद है। अब यहाँ पे 2 की पावर 2 और 1 कितने होते हैं, 3 होते हैं, 3/2 आ गया, और ऊपर पावर हमारे पास क्या है, x है, इज इक्वल टू 2/9।
पार पार के साथ क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे ये 2 यहीं पे रहेगा, ये जो पार 3 बाई 2 है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 बाई 2 x हो जाएगा, और इधर 2 की पार हमारे पास ऑलरेडी क्या है, 9 है। अब हमारे पास बेसिस जो है वो सेम है, जब बेसिस सेम होती हैं तो फिर जो ऊपर एक्सपोनेंट्स होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। व्हेन बेसिस आर इक्वल देन एक्सपोनेंट्स आर आल्सो इक्वल। ये बेस भी 2 है और ये बेस भी 2 है, तो ये लाइन हम लिखेंगे कि व्हेन बेसिस आर इक्वल, यहां पे हम लिख लेते हैं व्हेन बेसिस आर इक्वल then exponents are also equal। बेसिस इक्वल है इनको छोड़ देंगे, ये आपस में बराबर आ रहे हैं कि एक्सपोनेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे, यानी हमारे पास आ जाएगा 3 by 2 x is equal to 9 के x यहीं पे रहेगा, और 3 by 2 जब उस तरफ जाके 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 by 3 हो जाएगा, 3 1s are 3, 3 3s are 9, x is equal to 3 अब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जो x is equal to 6 आ जाएगा, x हमारे पास क्या आ गया 6। ये हमने इस नंबर को क्या किया, इवैल्यूएट कर दिया। तो उसके बाद जो है फर्दर हमारे पास जो है, हम नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है वो करते हैं, हम अब हम इसको रेज करते हैं यहां से। तो रेज करने के बाद यहां पे ये हमारे पास नंबर है, ये आंसर आ गया हमारे पास, अब हम इसको ये नेक्स्ट हमारे पास नंबर है इसको हम यहां से रेज कर देते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है वो भी हमारे पास log 1 over 128 टू द बेस 2 है हमारे पास, तो हम इसको लेट करेंगे, लेट किसके इक्वल करेंगे, log 1 over 128 बेस 2 इज इक्वल टू किसके लेट कर दिया हमने, x के लेट कर दिया। अब इसको किस फॉर्म में लेके आएंगे, हम इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे इसको हम। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगा कि बेस ये लॉग जो है एक्सक्लूड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 2 यहीं पे जो बेस है यहीं पर रहेगी, इक्वल में जो नंबर है वो आके पार बन जाएगा और जो लॉग के साथ नंबर मौजूद है वो इक्वल में चला जाएगा, 1 over 128 आ जाएगा हमारे पास। तो यहां पे 2 की पावर x है, अब 1 over 128 को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, इसके भी प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, तो 128 को यहां पे हम दोबारा फैक्टराइज करते हैं, 2 पे गया 6 आ गया, 2 4s are 8 आ गया, फिर 2 पे गया 2 3s are 6, 2 2s are 4, 32 आ गया, फिर 2 पे गया ये 16 आ गया, फिर 2 पे गया 8 आ गया, फिर 2 पे गया 4 आ गया, फिर 2 पे गया 2 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो 128 के जो प्राइम फैक्टर्स बनते हैं कितने बनते हैं, 7 बनते हैं, यानी 1 over 2 power 7 आ गया। इधर क्या मौजूद है, 2 power x, और यहाँ पे चूंकि ये नंबर जो है नीचे मौजूद है, जब इसकी ये हम फ्रैक्शन फॉर्म खत्म करेंगे इसको ऊपर लेके जाएंगे 2 की पावर 7 को, तो ऊपर जाके इसकी पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, -7 हो जाएगा, यहाँ पे +7 था 2 की पावर, ऊपर जाके -7 होगी। अब बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम हो या इक्वल हो तो फिर x और एक्सपोनेंट्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पे हम ये लाइन लिखेंगे कि व्हेन बेसिस आर इक्वल देन एक्सपोनेंट्स आर आल्सो इक्वल, देन एक्सपोनेंट्स आर आल्सो इक्वल। सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -7, ये एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट के इक्वल आ गया। जो हमने इन दो क्वेश्चंस को क्या किया, हमने इवैल्यूएट कर दिया। अब फर्दर हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसमें हमने जो है x की वैल्यू मालूम करनी है। ये क्वेश्चंस की यहां पे स्टेटमेंट लिखी हुई है, इस क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं उनकी स्टेटमेंट यहां पे मौजूद है। पहले जो हमारे पास है, log of x to the base 2 is equal to 5k, या 5 is the log of x to the base 2। तो यहां पे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सबसे पहले हम इस जो हमारे पास नंबर मौजूद है इसको हम किस में लेके जाएंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे। तो बेस यहीं पर रहेगी, सामने वाला जो नंबर मौजूद है वो आगे इधर पार बन जाएगा और जो लॉग के साथ नंबर मौजूद है वो इक्वल में चला जाएगा और लॉग क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। तो ये इसकी कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। लॉगरिथम्स और एक्सपोनेंशियल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेशंस होते हैं।
एक्सपोनेंशियल्स के अंदर हम क्या करते हैं कि लॉग को एक्सक्लूड कर देते हैं और लॉगरिथम्स फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं कि लॉग को इंक्लूड करते हैं। तो ये चूंकि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो लॉग है वो क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है अब 2 पावर 5 मींस के 2 कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.2.2.2 ये 5 टाइम्स इज इक्वल टू एक्स के, और x is equal to 2 2 4 4 2 8 8 2 16 और 16 2 कितने होते हैं 32 होते हैं x is equal to 32 होते हैं ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई इसी तरह हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन मौजूद है जिसमें log of 8 to the base 64 is equal to x over 2 के तो हम इसको किस फॉर्म में लेके जाएंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे हम तो ये जो लॉग है वो एक्सक्लूड हो जाएगा, बेस जो है वो यहीं पे रहेगी 64, और ये जो सामने नंबर मौजूद है ये आगे इधर एक्सपोनेंट बन जाएगा और जो लॉग के साथ नंबर मौजूद है वो इक्वल में चला जाएगा। अब वो जहां जिसकी कोई पावर ना उसकी पावर कितनी होती है, 1 होती है। तो अगर ये बेस 8 है तो हमें ये बेस भी क्या बनानी पड़ेगी, 8 ही बनानी पड़ेगी। तो 64 को हम ऐसे फैक्टराइज करेंगे, ऐसी बेस लेके आएंगे कि जब उसकी जो है बेस 8 हो और ऊपर ऐसी पावर हो कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 64 आ जाए। तो यहाँ पे 8 पावर अगर हम 2 ले लें यानी 8 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो तो कितना बनता है, 64 बनता है। और ऑलरेडी हमारे पास पावर ऊपर मौजूद है वो क्या है, x ओवर 2 के, और इज इक्वल टू 8 पावर 1 यानी जिसकी कोई पावर है उसकी पावर 1 होती है। अब पावर के साथ क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, बेस यहीं पर रहेगी, ये वाली पावर इस पावर के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई यानी 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स ओवर 2 के साथ, इज इक्वल टू 8 पावर 1 आ गया। अब ये 2 2 के साथ कैंसिल, 8 पावर x इज इक्वल टू 8 पावर 1। तो यहाँ पे ये जो है इसका ये एक्सपोनेंट है और इसका ये एक्सपोनेंट है, बेसिस दोनों की जो है वो इक्वल है। तो यहाँ पे हम वही लाइन लिखेंगे कि व्हेन बेसिस आर इक्वल, व्हेन बेसिस आर इक्वल देन एक्सपोनेंट्स आर आल्सो इक्वल, देन एक्सपोनेंट्स आर आल्सो इक्वल। तो बेसिस इक्वल है, एक्सपोनेंट एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, यानी x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 1 के आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 के, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन का जो है नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है log, ये बेस 64 है, log ऑफ 64 टू द बेस x इज इक्वल टू 2 के, इसको किस फॉर्म में लेके जाएंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको लेके जाएंगे तो log एक्सक्लूड हो जाएगा, बेस यहीं पे रहेगी और बेस सामने वाला नंबर आगे इधर एक्सपोनेंट बन जाएगा उस बेस का, और जो लॉग के साथ नंबर मौजूद है वो इक्वल में चला जाएगा, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो यहाँ पे अब ये क्वेश्चन जो अभी हमने जितने पार्ट्स किए हैं उन पार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक्स मौजूद है, यहाँ बेस में हम एक्स नहीं ला सकते, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है एक्सपोनेंट्स की जैसे करने पड़ेंगे यानी इक्वल लाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे x जो है उसका एक्सपोनेंट 2 है, अगर 64 को हम लिखें 8 पावर 2 तो वो 64 बनता है। तो अब यहाँ पे जो है वो डिफरेंट सिनेरियो है, पहले क्या था कि बेसिस इक्वल होती थी, अब यहाँ पे क्या है कि एक्सपोनेंट्स इक्वल है। तो फिर जब एक्सपोनेंट्स इक्वल हो तो तब बेसिस भी आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। When bases are equal, then exponents are also equal. When exponents are equal, then bases are also equal. तो यहाँ पे exponents जो है वो एक दूसरे के क्या आ गए, equal आ गए। जब exponents equal आ गए तो bases भी आपस में क्या होगी, equal होंगी। तो यहाँ पे जो statement लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि when bases यहाँ पे जो भी exponents equal है तो यहाँ exponents का हम reference देंगे, तो उसका reference देंगे तो क्या आ जाएगा, when exponents are equal, when exponents are equal, then bases are also equal, then bases are also equal. तो यहाँ पे एक्सपोनेंट इक्वल है, ये वाला इसका एक्सपोनेंट भी 2 है, इसका एक्सपोनेंट भी 2 है, लिहाजा x जो है ना बेस एक दूसरे के इक्वल आ गया, x इज इक्वल टू 8 ही हमारे पास आंसर आ गया। अब हम ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी, कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम एक हमारे पास जो फर्स्ट रूल है,
फर्स्ट रूल ऑफ लॉगरिथम हमारे पास जो है वो ला मौजूद है, फर्स्ट रूल ऑफ लॉगरिथम ला, जो भी हमारे पास है log of mn to the base k is equal to log of m to the base k plus log of n to the base a. ये चीज हमने क्या करनी है, स्टेटमेंट को हमने प्रूव करना है. ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट रूल ऑफ लॉगरिथम ला कहलाता है. यानी प्रोडक्ट का जो log है, दो फैक्टर है हमारे पास m1 m और n, वो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. इन दो फैक्टर का जो लॉग है वो इन दो फैक्टर के सम के लॉग के इक्वल होता है. ये चीज हमने प्रूफ करनी है. ये स्टेटमेंट सिर्फ उसी सूरत में जो है वो दुरुस्त होगी अगर ऑन द बोथ साइड दोनों अतराफ में बेसिस क्या हो, इक्वल हो, एक जैसी हो. यहाँ पे बेस क्या है, ए है, और इस तरफ भी जो आपके पास सम की फॉर्म में जो फैक्टर्स लॉग के मौजूद हैं उनकी बेस भी क्या है, ए है. अगर एक भी बेस इनमें से चेंज हो जाएगी तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं होगी. तो इस स्टेटमेंट की जो फॉर्म है इसको फर्दर हम लॉगरिथमिक एडिशन आइडेंटिटी भी कहते हैं. फर्स्ट रूल ऑफ लॉगरिथम ला जो है वो लॉगरिथमिक एडिशन आइडेंटिटी भी कहलाता है, और थर्ड नंबर पे इसको हम प्रोडक्ट रूल ला भी कहते हैं. जो फर्स्ट रूल ऑफ लॉगरिथम ला है उसको प्रोडक्ट रूल ला भी कहते हैं. तो ये जो है यहाँ पे चूंकि हमारे पास दो फैक्टर्स हैं तो दो फैक्टर्स की जगह जो है हम ज्यादा फैक्टर्स भी ले सकते हैं. तो ये जो फर्स्ट रूल ऑफ लॉगरिथम ला बनाया गया है ये 3 or more than factors के लिए होता है. सपोज दैट कि mn के साथ में यहाँ पे अगर p इंक्लूड कर लूं तो log of mn p to the base a is equal to हो जाएगा log of m to the base a plus log of n to the base a plus log of p to the base a. और फर्दर जो है इससे ज्यादा फैक्टर्स भी जो है वो लिए जा सकते हैं. तो यू हमें साबित करना है कि अगर दो फैक्टर्स के लॉग का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा जो है उसके जो सम होता है फैक्टर्स का उनके लॉग के क्या होता है, बराबर होता है. तो इसकी तीन नेम्स भी मैंने बता दी कि इसको जो है इस नेम से भी और इस नेम से भी इस रूल को जो है हम जो है वो लिख सकते हैं या बोल सकते हैं. तो अब हम प्रूफ की तरफ जाते हैं, प्रूफ ऑफ प्रोडक्ट रूल ला. तो इसमें हम क्या करेंगे कि लेट करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे हम कि log of m to the base a is equal to x के. फर्दर हम इसको किस फॉर्म में लेके जाएंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे. जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे तो बेस जो है ये log एक्सक्लूड हो जाएगा, बेस यहीं पे रहेगी और जो सामने वाला नंबर है ऊपर आके पार बन जाएगा और ये जो साथ m मौजूद है log के ये इक्वल में चला जाएगा. तो उसके बाद जो है हमारे पास n दूसरा जो है log of m base 2 इसको भी हम लेट करेंगे. log n of base log of n to the base a इसको हम लेट करेंगे, किसके इक्वल लेट करेंगे, y के इक्वल लेट करेंगे. अब जब y के इक्वल लेट करेंगे तो फर्दर इसको किस में चेंज करेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में log जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा, ये जो बेस है ये यहीं पर रहेगी, सामने जो नंबर मौजूद है वो आपके एक्सपोनेंट बन जाएगा और जो log के साथ नंबर है वो इक्वल में चला जाएगा. यूं हमारे पास जो ये प्रोडक्ट हमारे पास रूल ला है तो इसके हिसाब से हमारे पास ये जो एक्सपोनेंशियल्स दो फॉर्म्स आई हैं, एक a का एक्सपोनेंट x is equal to mk और दूसरा a का एक्सपोनेंट y is equal to nk. तो जो प्रोडक्ट रूल ला है तो हम इनको क्या करेंगे, दोनों साइड्स को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय ऑन बोथ साइड्स. तो हम दोनों तरफ को आपस में क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. यानी a पावर x डॉट a पावर y ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और m और n आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो यहाँ चूंकि बेसिस सेम है, एक जैसी है, तो फिर हम क्या करेंगे कि एक बेस के ऊपर इन पार्ट्स को क्या करेंगे, हम इकट्ठा कर लेंगे. तो यहाँ पे जब बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो ये आपस में जो ऊपर एक्सपोनेंट्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं. तो a पावर x प्लस y आ गया, इज इक्वल टू हमारे पास mn आ गया. अब फर्दर जो है इन लॉगरिथम फॉर्म, इसको पहले हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेट किया, फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील किया, अब इन लॉगरिथम फॉर्म में हम इसको वापस लेके आएंगे. तो लॉगरिथम फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है कि लॉग को एक्सक्लूड कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, और लॉगरिथम फॉर्म में क्या होता है कि लॉग को इंक्लूड कर देते हैं. यहां पे आपके पास आ जाएगा लॉग और ये जो बेस है वो यही लॉग के साथ यहाँ पे रहेगी और ये जो सामने नंबर मौजूद है ये लॉग के साथ आ जाएगा mn और जो ऊपर एक्सपोनेंट था जो बेस के ऊपर मौजूद था वो इक्वल में चला जाएगा, यानी यहाँ x प्लस y चला जाएगा. अब यहाँ पे हम जो है पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y,
पुट इन द वैल्यूज ऑफ x एंड y, ऊपर हमने जहां लेट किया हुआ है x के इक्वल और y के इक्वल, तो वो वैल्यूज हम क्या करेंगे पुट कर देंगे यहां। तो यहां पे हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा log ऑफ m n टू द बेस a इज इक्वल टू x, x किसके इक्वल है हमारे पास, वो है log of m to the base a, और प्लस y हमारे पास किसके इक्वल है, दरमियान में प्लस है आगे y, वो हमारे पास है log of n to the base a, hence proved। ये चीज हमने क्या कर दी, ये फर्स्ट रूल जो था लॉगरिथम ला का, वो हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि दो फैक्टर पे log का जो प्रोडक्ट होता है वो उन फैक्टर के log के सम के इक्वल होता है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। ये हमारा आज का लेक्चर था, तब कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह कल लेक्चर से 3.3 स्टार्ट करें।